देवी सर्वभूतेषु मा कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्र के चौथे दिन मां शेरावाली के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा को समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इन्हें कुष्मांडा नाम से जाना जाता है और सृष्टि की आदि शक्ति और आदि स्वरूप भी कहा जाता है। सूर्यमंडल के भीतर के लोक में देवी कुष्मांडा का निवास है और कहा जाता है कि माता के अलावा अन्य कोई देवी देवता वहां वास करने की क्षमता नहीं रखता। आदि शक्ति की 8 भुजाएं हैं, तभी वह अष्टभुजा भी कहलाई। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा रहता है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। सिंह पर सवार माता को कुम्हड़े की बलि प्रिय है। नवरात्र के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पवित्र और अचल मन से पूजा करने से माता भक्तों के सभी रोग और शोकों का नाश करती है और उन्हें यश, बल, आयु और आरोग्य प्रदान करती है। आराधक केवल अपने अतल्प सेवा और भक्ति से ही देवी कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकता है। वहीं सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है।